एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। सो गाइज, मैंने रिसेंट ही एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने अभी हाल ही में अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं फ़ोन से अपना वीडियो कैसे एडिट करती हूँ, यानी कि यूट्यूब का वीडियो कैसे एडिटिंग करती हूँ। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाती हूँ। सो गाइज, वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको थंबनेल कैसे बनाना है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड, और आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। ये जो थंबनेल है ये बिल्कुल बेसिक है, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए इस ऐप से थंबनेल बनाना बहुत ही आसान है। मैंने जब से अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक मैं इसी ऐप से अपना थंबनेल बनाती आई हूँ, और मिनटों में थंबनेल बनके रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सो गाइज, इस ऐप से आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी रुपए पे नहीं करने हैं, फ्री में ये एप्लीकेशन आपको थंबनेल बना के दे देगा, और मैं आज तक फ्री में ही अपना थंबनेल बनाती आई हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। सो गाइज, मैंने जो एडिटिंग वाला वीडियो डाला था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसने भी नहीं देखा हो तो वो लिंक पे जाके देख लें कि आपको वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। सो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं आपको आज पूरा बताऊंगी कि मैं कैसे थंबनेल बनाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्ले स्टोर से हम पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसका साइज चेंज करेंगे क्योंकि हमें यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, और यूट्यूब का साइज जो है वो 16:9 होता है। तो यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, तो हमें यूट्यूब थंबनेल चूज़ करना है क्योंकि हमें थंबनेल बनाना है, और ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ यहाँ पर आ जाएगा। कलर पर ओके करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ ग्रेडियंट में आपको कलर देखने को मिलेंगे जो कि शेड्स में होंगे, 2-3 कलर्स में। तो ये इस टाइप के आपको कलर मिलेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए शेड्स में तो आप कलर पर ओके करिए, तो कलर में आपको ये सिंपल टाइप के कलर मिल जाएंगे। जो भी आपको कलर पसंद आए आप वो इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं। वैसे इसके ऊपर से पिक्चर आ जाती है तो बैकग्राउंड कुछ इतना समझ में नहीं आता है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये इमेज करके कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड के लिए कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे हैं, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे थे इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें से भी ले सकते हैं। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको क्लिक करूँगी, मैंने ये ओके कर दिया है। अब हम इसमें अपनी पिक्चर लगाएंगे तो फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, गैलरी में जाके फोटोज़ में जाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करके रखे थे थंबनेल बनाने के लिए, तो उसमें से मैंने ये एक सेलेक्ट किया है। मैं आपको पहले सिंगल फ़ोटो वाला थंबनेल बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको लैंडस्केप में फ़ोटो लेना है अपना, जैसे हम यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं सेम वैसा ही, तो कुछ इस टाइप का वो बिल्कुल फिक्स आएगा उस पर। फिर उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, तो हम टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर मैं लिखूँगी हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, तो कुछ ऐसा आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, तो मैं यही लिखूंगी कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो ये मैंने लिखा है, अब मैं इसको ओके कर दूंगी। उसके बाद ओके करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, आप यहाँ से इसको साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये वाइट कलर में है तो मैं इसका साइज़ जो है पहले छोटा करूँगी, साइज़ बहुत बड़ा था क्योंकि फेस के ऊपर आ रहा था, तो हमने यहाँ से साइज पे जाके छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। उसके बाद कलर पे जाके मैं इसका कलर चेंज करूँगी क्योंकि ये दिख नहीं रहा है इसलिए, तो यहाँ पर आप ब्लैक, वाइट, रेड, ऑरेंज जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट पे, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कई सारे फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये बड़ा सा सिलेक्ट किया है तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इस टाइप का। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैकग्राउंड पर, यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप वाइट बैकग्राउंड रखें, ऑरेंज रखें, जैसा आप चाहें वैसा बैकग्राउंड रख सकते हैं, तो बैकग्राउंड रख के भी अच्छा लगता है, और रखना है आपको तो ओके कर दीजिए। बहुत सारे कलर आपको बैकग्राउंड के मिल जाएंगे, मैं बैकग्राउंड नहीं लगा रही हूँ, मुझे ऐसा ही रखना है। यहीं पर आपको एक स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको अपने अल्फ़ाबेट के बीच में स्पेस रखना है तो आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बराबर में ही एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, उसमें क्या होगा आपकी लाइनिंग जो होंगी उसमें स्पेस हो जाएगा, तो अगर जगह आपके पास कम है या ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर हम आपको एक ऑप्शन बताएंगे, यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, तो इसमें क्या है आपके जो ये आपने लिखा है हाउ टू क्रिएट, इसमें शेडो आ जाएगा, तो इससे क्या है अट्रैक्टिव लगता है थंबनेल।
तो इस टाइप से आप कोई सा भी कलर चूज़ करके शेडो डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी के पास एक ऑप्शन है इनर शेडो का। इनर शेडो यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर शेडो हो जाएगा। दोनों ही मुझे सेम ही लगते हैं, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों में, तो आप चेक कर लेना। यहीं पर एक कर्व का ऑप्शन है, तो अगर कुछ आपको कर्व में लिखना है ऐसे घुमाकर तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर जाके ही, बट मैंने कर्व में नहीं लिखा है, मैं इसको ऐसे ही सिंपल सा ही रहने दूंगी। इसको ओके करने के बाद यहीं पर आपको एक स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें ब्राउज है, ब्राउज या ब्राउज़र, तो इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से भी डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बहुत लगाती हूँ तो ये मैं ब्लैक एंड वाइट वाला लूँगी, तो ये इस टाइप से आ गया है कुछ, और अच्छा लगता है ये ऐसा। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जाके। तो ये हमारा वन पिक्चर वाला यूट्यूब थंबनेल बनके ये रेडी हो गया है। अब इसको सेव कर लेंगे, ऊपर जाके सेव टू गैलरी करेंगे। कुछ एक आध आपको ऐड देखने को मिलेगा तो वो आप वॉच कर लेना, फ्री का है तो ऐड तो दिखाएंगे ही, फिर ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी। इसमें आप अपने थंबनेल में दो तीन फोटोज़ एक साथ लगा सकते हैं, बट आपकी फ़ोटोज़ जो है वो पोर्ट्रेट होनी चाहिए। अब ऊपर प्लस वाले आइकन पर जाके हम फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। साइज़ यूट्यूब के थंबनेल का और बैकग्राउंड आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताए थे। तो ये मैं कुछ दो फोटो इसमें लगाऊंगी, इस फोटो को लेके मैं क्रॉप कर लूंगी, ये जो ऊपर की फालतू जगह मुझे दिख रही है इसको क्रॉप कर देंगे। और ये मेरा पोर्ट्रेट में खिंचा हुआ फोटो है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ताकि ये इसमें बिल्कुल अच्छे से फिट आ जाए। नेक्स्ट मैं फिर प्लस वाले आइकन पर जाके फ्रॉम गैलरी में से दूसरा फोटो सिलेक्ट करूंगी, तो ये मैं ये वाला फोटो लूंगी, तो ये इसको भी क्रॉप करके मैं वहीं पर एडजस्ट कर दूंगी। आप इसमें 3, 4, 5, 6 जितने चाहे उतने फोटोज़ लगा सकते हैं, बट साइज छोटे करते जाना। तो इसको मैंने छोटा करके यहीं पर अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने दो फोटो लगाए हैं क्योंकि बैकग्राउंड हमारा सेम है। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट पे जाके हम यहाँ पर ये जो पेंसिल बनी हुई है यहाँ पर जाएंगे और ये न्यू टेक्स्ट हम हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, आपको जो भी लिखना है आप वो लिखिए। इसको हम नीचे सेलेक्ट कर देंगे और इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे सबसे पहले। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग फॉन्ट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया है। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी, ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड के लिए ब्लैक पर ब्लैक नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैं वाइट बैकग्राउंड दूंगी, तो ये अच्छा लग रहा है ना। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, चाहे आप ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिखना चाहें नीचे लिख सकते हैं, और पहले की तरह इसको सेव कर लीजिए। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। मैंने इतने आसान तरीके से आपको थंबनेल बनाना बता दिया है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप भी आसान तरीके से अपना थंबनेल बनाइए और अपनी वीडियो पर लगाइए, जो कि बिगनर्स के लिए मैं मानती हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, क्योंकि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत देखती थी कि मैं थंबनेल कैसे बनाऊँ, वीडियो कैसे एडिट करूँ, कैसे अपलोड करूँ, तो ये सब। तो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या YouTube से रिलेटेड कोई वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन जरूर करना, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। सो गाइज, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।